गुड इवनिंग माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आप जो है इस सीरीज के नेक्स्ट जो है 40 क्वेश्चन पे जो है मैं काम कर रहा हूं, और लास्ट में जो है आपको 6-7 न्यूमेरिकल्स में जो है प्रीवियस ईयर्स के ऐसे दूंगा कि जो आपके जो है हर टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो को जो है फिर बनाऊंगा आपके लिए। तो आप जो है को आपको सुबह वो वीडियो भी जो है अवेलेबल हो जाएगा, तो मॉर्निंग में जो है उसको भी देख लेना, ठीक है। लास्ट में जो है 6-7 न्यूमेरिकल बच्चों उसके अंदर मैं दूंगा, और अभी जो है मैं आपको जो दे रहा हूं वो जो है 2018 का जो है पेपर जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको जो है लेकर दे रहा हूं, ठीक है। तो कंटिन्यूस मेरे साथ बनिए कि फर्स्ट जो है 40 क्वेश्चंस उसमें क्या पूछे गए थे, वो कैसे आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो और मुझे उम्मीद है कि जो सीरीज चल रही है बच्चों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें केवल आप किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, साथ में जो है आपको और कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा डेफिनेटली जो है। इसीलिए जो है कंटिन्यूस आपने जो है ये वीडियोस क्या कर दिए, वायरल जो है मिस कर दिए, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बार पेपर जो है आपको दिखा दूं, ये 2000 जो है क्या 18 का पेपर बच्चों, ठीक है, और आपका ही पेपर है ये, कल ऐसी लाइनें आपको उसमें भी दिख जाएंगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन जो है का बच्चों ए पार्ट क्या कह रहे हैं उसको देखो। स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर, क्लियर, यानी कि आपको पावर की डेफिनेशन देनी है, साथ में उसका एसआई यूनिट बताना है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सा डेफिनेशन है कि रेट ऑफ, सिंपल बोलना बच्चों कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी और अ सिस्टम, बॉडी इज कॉल्ड इट्स पावर। बहुत सिंपल, ठीक है, तो हर एक बच्चे को याद हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसके साथ जो है कह रहा है वो कि इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो है यहां पे लिख दोगे एसआई यूनिट किसका, पावर का। तो बच्चों पावर का एसआई यूनिट होता है वाट, ठीक। उसके बाद इसका जो है सेकंड पार्ट का जो आंसर है बच्चों वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज द यूनिट ऑफ हॉर्स पावर रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ पावर, क्लियर, कि किस तरह से जो है हॉर्स पावर किस रिलेट है एसआई यूनिट से। तो बच्चों याद रखना कि क्या वन हॉर्स पावर, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर है वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बी बी जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें जो है क्या पूछ रहा है वो। तो बच्चों बी वाले जो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है वो है स्टेट एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग केसेस while in use, first an electric iron and second ceiling fan। तो बच्चों पहले पार्ट का जो है आंसर कि वो कह रहा है कि आपने ये बताना है कि एनर्जी चेंज जो हो रहा है वो किस केस में जो है क्या हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो क्या कर रही है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और हीट एनर्जी में बदल रही है, ठीक है, क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, ये करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, यार इतना तो लिखी दोगे मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सीलिंग फैन, ठीक है, तो सीलिंग फैन जो है क्या कर रहा है उसको देखो। सीलिंग फैन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यूज करता है इसको मैकेनिकल, इसको किस में चेंज करता है, मैकेनिकल में चेंज करता है बच्चों, ठीक है, किस में चेंज कर रहा है भाई, मैकेनिकल में, ठीक है। अच्छा उसके बाद सी पार्ट का आंसर बच्चों क्या है उसको क्लियर करो। द डायग्राम बिलो शोज अ लीवर इन यूज, उसमें फर्स्ट पार्ट पूछा है कि टू विच केस ऑफ द लीवर डज इट बिलोंग। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे उन सब में यही पूछा हुआ है, ठीक है,
बच्चों अब आगे जो है उसने क्या पूछा है उसके साथ साथ वो भी मैं बता देता हूं। बाकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, विदाउट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द लीवर इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फल्क्रम व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। क्वेश्चन सुन लिया और स्क्रीन पे भी चल रहा है, मजा लो उसका। ठीक है तो बच्चों इसका जो है क्या दे रहा है वो इसको क्लियर करो कि यहां जो है इस एंड पे लगाया उसने एफर्ट, मिड में लगाया उसने लोड, लास्ट में जो है लगा रखा है उसने फलक्रम। ठीक है और मैंने जो आपको बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि फर्स्ट क्लास का जो लीवर है ठीक है उसका फलक्रम मिड में होता है, फलक्रम कहाँ होता है उसका मिड में जो होता है। सेकंड क्लास का जो लीवर है उसका लोड जो है मिड में होता है। ठीक है थर्ड क्लास का जो लीवर है बच्चों उसका जो है एफर्ट मिड में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब लगाओ कौन से क्लास का लीवर है, ये है आपका सेकंड क्लास का लीवर। ठीक है तो आंसर आया सेकंड क्लास। ठीक है बच्चों कौन सी क्लास का लीवर है भाई, ये है सेकंड क्लास का लीवर। ठीक है तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर उसने बोल रखा है बच्चों कि इसको जो है बिना जो है डायमेंशन बदले, विदाउट चेंज द डायमेंशन जो है बोल रहा है इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फल्क्रम। बच्चों जब इस लोड को इधर शिफ्ट करेंगे तो अब जो है मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो क्लियर करो कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड चेंज नहीं कर रहा है, केवल लोड आर्म चेंज हो रही है। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है बच्चों क्या, एफर्ट आर्म ठीक है अपॉन लोड आर्म। क्या होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो अब यहां क्लियर करो एफर्ट आर्म तो यही है फिक्स, लोड आर्म को छोटा कर रहा है, लोड आर्म को इधर शिफ्ट करेगा तो स्मॉल करेगा, मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करेगा। ठीक है तो यहां लिख दोगे कि इट विल इंक्रीज। ठीक है आंसर क्या होगा, इट विल इंक्रीज यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अगर वो लोड को राइट में यानी फलक्रम की साइड लिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा बच्चों। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इसका जो है आपका लोड जो है क्या कर देगा, लोड आर्म को शॉर्ट कर देगा, लोड आर्म शॉर्ट होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करेगा। फाइनल बच्चों अगला जो है इसमें क्या आ रहा है थोड़ा सा उसको जो है देखते हैं कि हल्का ये कुछ ज्यादा जो है हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है चलो फिर आगे जो है बच्चों इसका जो है तो सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है मजा आ रहा है। ठीक है ये लास्ट मोमेंट की तैयारी है और देखो कितने क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुका हूँ, प्रॉब्लम वाली कोई बात रह नहीं जाती इसमें। ठीक है बच्चों अब जो है डी पार्ट में उसने क्या पूछ रखा है, एक एक करके जो है ध्यान देना। हाँ क्वेश्चन जो है डी पार्ट में क्या पूछा है बच्चों कि व्हाई इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 टू 8000 इन वैक्यूम 1:1। देखो क्वेश्चन का आंसर भी आपको वहीं पे जो है मिल गया। ठीक है क्यों कह रहे हैं कि जो वेलोसिटीज ऑफ लाइट है जिनकी वेवलेंथ 4000 से 8000 है बच्चों उसमें जो है वैक्यूम में रेशियो वेलोसिटी रेशियो 1 क्यों होता है, क्योंकि क्लियर है कि बेटा वो जो है सेम लाइट की जो है। ठीक है क्या यहाँ पे जो है मीडियम सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है तो ऐसे केस में जो है वेलोसिटी का रेशियो क्या रहेगा, उसका सेम जो मीज रहेगा क्योंकि ये लाइट की जो स्पीड है। क्या रीजन लिखो, क्या आंसर लिखोगे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फर्स्ट कि इट इज क्या लिमिट्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, विजिबल लाइट किसकी, लाइट भी कौन सी है बच्चों, विजिबल जो इमेज है। ठीक है तो इसलिए जो है इसलिए वेलोसिटी का रेशो क्या है, सेम जो इमेज है। ठीक उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर उसने क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द अबव वेवलेंथ हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है अब यहाँ पे जो है क्लियर करो बच्चों कि किसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे आपको जो वेवलेंथ दे रखी है वो आपका 4000 जो है एंगस्ट्रॉम से और 8000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ठीक है यहाँ क्लियर करो तो कह रहा है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है तो क्लियर कर दो बच्चों कि भाई जो c इक्वल टू होता है वो होता है एन लैम्डा। ठीक है तो यहां से जो है एन इक्वल टू क्या हुआ, एन इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो गया, तो जिसका लैम्डा जो है ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है तो यानी कि क्या हुआ कि बच्चों ये जो है n यहाँ पे समझना जरा इसको। ठीक है कि जिसका फ्रीक्वेंसी जो है कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका जो है वेवलेंथ ज्यादा होगा ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे समझो कि 8000 ठीक है n 8000 जो है, क्योंकि बच्चों लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका लैम्डा ज्यादा है, तो जिसका लैम्डा ज्यादा रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी कम जो इमेज हो जाएगी। ठीक है फाइनल कर दो, ये लेस देन हो जाएगा n
4000, ठीक है, तो 4000 इंग स्टॉप, ठीक है, यानी कि क्या उस जो है लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी, उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लियर करना, जिसका जो है वेवलेंथ कम है, यानी कि डिनोमिनेटर कम रहेगा ना, तो न्यूमरेटर जो है क्या करेगा, यानी कि ये एन जो है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो याद रखना इसको कि 4000 जो है स्मॉलर है 8000 से, तो अपने आप ही हो गया कि भाई क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 4000 वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक। तो फाइनल आंसर जो है, ठीक, क्यों है उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, ठीक है बच्चों। अब जो है इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे, उसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो है आपको ये मिल जाए, ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो है साइलेंटली इनको जो देखना है, फर्स्ट का ही अभी बच्चों ई पार्ट जो है रह गया। क्या बोल रहे हैं कि वाई इज द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड अराउंड अ सर्कुलर पाथ सेट टू बी एक्सीलरेटेड मोशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कि जब जो है कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो बच्चों उसका स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरी करती है, वेलोसिटी वेरी करती है, इसलिए वो एक्सीलरेटेड मोशन है। तो आंसर क्या लिखोगे कि बिकॉज वेलोसिटी वेरीज, ठीक है, वेलोसिटी क्या करती है, वेरी करती है, बिकॉज वेलोसिटी वेरी, हाँ, दैट्स वाई इट्स मोशन इज एक्सीलरेटेड, ठीक है बच्चों, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेरी करती है, because velocity varies, that's why its motion is accelerated motion, ठीक है बच्चों। इसका जो है ये first part था, second part जो है क्या पूछ रहे हैं, name the physical quantity, देखो 2 marks में उसने बहुत अच्छा जो है question पूछा है, name the unit of physical quantity obtained by the formula 2k upon v square, where k is kinetic energy, v is linear velocity, ठीक है। कि बच्चों एक quantity किससे gain हो रही है, ठीक है, तो एक quantity किससे gain हो रही है, उसमें ये है कि मतलब जो भी क्वांटिटी है तो उसकी बात कर रहा है वो, हमने बताना उसको, ठीक है। तो मैं वैसे ही बता दूं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर मैं एम निकालूंगा तो 2k अपॉन एम हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, ये एम हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वांटिटी है बच्चों ये मास है, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, मास है। तो नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो बच्चा इसका यूनिट पूछ रहे हैं, तो यूनिट जो है इसका हो जाएगा केजी। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, केजी जो हो जाएगी, क्योंकि मास को रिप्रेजेंट करता है ये, कहां से आया, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है वो, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक। तो बच्चों ये जो है पहला क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट जो मिस हो जाते हैं, ठीक है, थीके? तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपको मैं दे रहा हूं पहले पार्ट का, मतलब ए का जो है फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लेंस रिलेटेड इसमें आ रहा है। क्वेश्चन ये है, द पावर ऑफ अ लेंस इज -5d, फर्स्ट फाइंड इट्स फोकल लेंथ, सेकंड नेम द टाइप ऑफ लेंस, ठीक। तो क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट पार्ट में उसने गिवन है कि गिवन फॉर लेंस, ठीक है बच्चों। तो पावर जो है उसने आपको दे रखा है -5d, ठीक है। तो देन फोकल लेंथ, तो बच्चों एफ इज इक्वल टू होता है 1/p, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/ क्या, -5 मीन्स मीटर में आएगा, ठीक है, क्या मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 × 2 जो कितना हुआ 10, तो 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नेगेटिव है बच्चों, ठीक है, नेगेटिव है तो क्या हो गया, तो टाइप ऑफ लेंस पहले पार्ट का आंसर हो गया, सेकेंड पार्ट का आंसर है बेटा नेम द टाइप ऑफ लेंस, तो ये जो है कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है, हाँ, ये खाली नेम द टाइप ऑफ लेंस, तो यहाँ पे लिख दो कॉन्केव लेंस, क्या लिखोगे, कॉन्केव लेंस, क्यों भाई, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है, सिंस क्या फोकल, वैसे रीजन नहीं मांग रहा है वो, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए जो है क्या हो गया, ये जो है कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है, फाइनल हो गया। उसके बाद बच्चों बी पार्ट जो है इसका, बी पार्ट, बी क्वेश्चन क्या है, स्टेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, फर्स्ट इफ इट प्रोड्यूस रियल एंड सेम साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड इट इज यूज एज मैग्निफाइंग ग्लास।
बहुत मजे जो है दार क्वेश्चन बच्चों, बहुत बच्चे अच्छा क्वेश्चन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल रखा है कि आपने जो है वो पोजीशन जो है बतानी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो बच्चों कन्वर्जिंग लेंस की जो है पोजीशन, कन्वर्जिंग जो है सबको पता हो जाना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं बच्चे, और जब जो है इसके फोकस कहाँ पे, अब इसको समझना है कि जब जो है फोकस के डबल पे रखा जाता है क्या कि फोकस, ठीक है, और फोकस का जो है क्या डबल पे जो है जब, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो बच्चों आपको केवल क्या करना है स्टेट द पोजीशन बतानी है, डायग्राम नहीं बनाना। तो यहाँ पे जो है लिखोगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट क्या टू टाइम्स, ठीक है, या ट्वाइस लिख दो, ठीक है, क्या ऐसे लिख देना ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो इन दैट केस इट्स इमेज विल बी सेम साइज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको पहले पार्ट का आंसर केवल इतना जो है आपको देना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर जो है क्या बोल रहे हैं वो कि हाँ इट इज यूज, हाँ यहाँ पे जो है उसने लिखा है इट इज यूज एट मैग्नीफाइंग जो है ग्लास। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको लेंस का नेम जो है लिख दो। ठीक है, स्टेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, इट प्रोड्यूस रियल एंड सेम साइज ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसमें उसने कुछ नहीं पूछा है, बस ये कि इस पे जो है क्या लिख दो, मैग्नीफाइंग ग्लास किसकी तरह यूज होता है, तो ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस यूज होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे ऐसे जो है लिख दो। ठीक है, मतलब ये मेंशन करना है। ठीक बच्चों, उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन, यानी कि सी जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन नंबर टू के जो है किसमें आ गए, हमारे हैं बच्चों सी जो है पार्ट पे। ठीक है, किसमें आ गए, सी जो है में आ गए। तो अब जो है सी में क्या बोल रहा है वो, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर टू का सी और सी का फर्स्ट पार्ट, स्टेट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक बच्चों, क्या बोल रहा है वो कि आपने जो है क्रिटिकल एंगल में और एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जो है रिलेशन लिखना है बच्चों। तो ये होता है साइन C इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू। क्लियर है, ये जो है वन मार्क्स के में कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वो पूछा है बच्चों, सेकंड उसने पूछा है कि विच कलर ऑफ द लाइट हैज अ हायर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, रेड और ग्रीन। तो बच्चों इसके लिए रेड जो है क्या, तो यहाँ पे लिख दोगे रेड कलर। ठीक है, रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर का जो है हायर होता है, क्यों होता है बच्चों, तो यहाँ पे जो है इसको क्लियर करना कि सिंस क्या कि म्यू आर, अब यहां से समझना कि म्यू आर जो है बच्चों लेस देन होता है म्यू ग्रीन से। ठीक है, अब जब जो है यहाँ डिनोमीटर क्या होगा, यहां समझना डिनोमीटर जो है स्मॉलर रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज जो है कर जाएगी। तो उसका रीजन भी मैंने यहाँ पे दे दिया कि किसका जो है हायर क्रिटिकल एंगल है, तो रेड कलर का होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे जो है अगला डी पार्ट का उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन स्कैटरिंग। तो याद रखो बेटा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ थ्रोइंग ऑफ अ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन द वे ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या होगा फिर वीडियो लंबा जो है खींच रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्लियर हो गया यहाँ पर डेफिनेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब उसने जो है क्या पूछ रखा है, देखो सेकंड पार्ट का जो है सेकंड पार्ट का आंसर उसने क्या बोल रखा है, यानी कि पहले तो उसने ये बोल दिया था कि डिफाइंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो हो गया। सेकंड पार्ट में उसने लिखा है कि द स्मोक फ्रॉम अ फायर लुक्स व्हाइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मोक आर बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सेकेंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मोक आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो बच्चों इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो जो है ट्रू है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मोक आर बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, दैट्स व्हाई स्मोक अपीयर्स, ठीक है, व्हाइट बोलो या जो भी है। तो बच्चों यहाँ पे पहले वाला स्टेटमेंट का आंसर सही जो मिल सकता। ठीक है, तो डी वाले का तो उसने खाली जो है ऐसे पूछा है। ठीक है, एक डेफिनेशन थी आपके पास, ठीक है, डिफाइंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और सेकंड उसने पूछ रखा था कि भाई जो स्मोक है उसके जो है जो मतलब वो जो स्मोक है वो कैसे दिखता है, व्हाइट जो इमेज दिखता है। ठीक है, तो क्या है उसके पीछे रीजन। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन बच्चों मैंने आपको दे दिया कि ये रीजन क्या उसने दे रखा है कि कौन सा रीजन ट्रू है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मोक आर बिगर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इतना बता दूं बच्चों कि जब जो है मॉलिक्यूल्स बिगर होते हैं तो वो जो है जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसी लाइट को क्या करते हैं,
उसको एमिट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उसका, यानी कि ये समझो कि व्हाइट लाइट इन होती है तो सारे कलर से मिक्स हो जाते हैं, मतलब व्हाइट लाइट होगी और वो इमिट भी व्हाइट लाइट को करता है, मतलब सारे कलर जो है एक साथ इमिट होकर के क्या बना देते हैं, व्हाइट लाइट बना देते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है सी जो है पार्ट का, नहीं सॉरी ई पार्ट का आंसर क्या है इसका, उसका जो है क्लियर करो। ये मैंने बहुत जो है डिस्कस कराया आपको क्वेश्चन, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। उसने आपको जो है ये दे रखा है यहाँ पे देखो, 60 डिग्री एंगल, अच्छा सॉरी स्टेटमेंट नहीं बोला मैंने, एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। द फॉलोइंग डायग्राम शोज 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री ग्लास प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ए बी एमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ईच सरफेस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है फिर वही क्रिटिकल एंगल की कहानी उसने जो है आपको दे दी, यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको जो है मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखो इस किस तरह से जो है यहाँ पे समझोगे ये समझना, ठीक है। यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल जो इमेज है, ठीक है। तो बस इसका पाथ ड्रॉ करना होता है बच्चों। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है हमें आता है ये, इसको समझो क्या है, ठीक है। तो यहाँ ए से बी पे लाइट इंसिडेंट होती है बच्चों, इसको सीधे आप क्या करना ऐसे जो है इंसिडेंट करा देना, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, क्या कर दो यहाँ पे नॉर्मल जो है ड्रॉ करना, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, बट इसको समझो कि इस तरह से जो है क्या करोगे यहाँ पे एक बच्चों नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, ठीक है। ये 60 है बच्चों, यहाँ पे समझना, ये सॉरी ये 30 है, ये वाला एंगल बच्चों 60 जो मीन्स हो जाएगा, तो ये वाला 30 हो जाएगा। अब देखो 30 डिग्री यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सिंस क्या कि आई इज इक्वल टू 30 डिग्री है, 30 डिग्री लेस देन 42 है, तो बच्चों इसमें TIR नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसमें TIR नहीं होगा और ये लाइट कहाँ निकल जाएगी, इस तरह से जो है नॉर्मल से अवे जो है निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा डायग्राम इतना ज्यादा बढ़िया वाला नहीं बना, ठीक है, समझ रहे इसको इस तरह से, ठीक। तो कहाँ चल हवा में उड़ रही है यार, अब ये हो रहा है ना कि थोड़ा सा जो है आपका टाइम जो है मुझे बचाना है, बस इसलिए जो है, ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो ये लाइट रे जो है नॉर्मल से अवे जो है चली जाएगी, यानी कि TIR नहीं होगा, कुल मिलाकर के पाथ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है भाई। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकला, याद रखो कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है बच्चों, तो 30 डिग्री बना रही है। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि ये जो है 30 है ये 60 हो जाएगा, ये तो 90 है, ये सबको पता है। तो भाई ये नॉर्मल होता है तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 जो है यानी कि ये जो एंगल है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से क्या, यानी कि जो है ICC क्या है ये लेस है, ठीक है। देयरफॉर देयर इज नो TIR, देयर इज नो TIR, ठीक है। वैसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं TIR, ठीक है। तो TIR क्यों नहीं हुआ, इतना सिंपल सा जो है आपको मार्क्स जो है दो मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मीन आते हैं, हम थर्ड में क्या बोल रहा है वो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में जो है अगर डाउट भी होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इसमें जो है थोड़ा सा डाउट जो मिस हो रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है, थर्ड का ए पार्ट जो मीन्स का डायग्राम जो है यहाँ पे दे रखा है, एक बार मैं जो है क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर उसका डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ द टू साउंड वेव्स ए एंड बी ट्रेवलिंग इन अ मीडियम आर शोन इन द डायग्राम बिलो, ठीक है। डायग्राम ये दे रखा है, स्टडी The two sound waves and compare their amplitudes and wavelength, ठीक है बच्चों। इसमें आपको जो है क्या निकालना है, इसमें देखो ग्राफ दे रखा है, बढ़िया से जो है इसको जरा समझना, थोड़ा सा इसी इन्हीं ऐसे जो है क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये 10 जो मीन्स दे रखा है, यहाँ पे जो है 20 दे रखा है, ठीक है। इधर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स है बच्चों, इधर जो है इतने में ही ये -10 हो जाएगा, ठीक है। इधर जो है आपका माइनस जो है क्या 20 जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हो गया। इधर बच्चों उसने दे क्या रखा है, अब उसको जो है बताता हूँ मैं ये कैसे दे रहा है। एक वेव जो है उसने ऐसे दे रखी है, एक वेव जो है ऐसे दे रखी है उसने इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसको समझना ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर जो है कुछ इस तरह से जो है, ठीक है बच्चों। एक वेव ये होगी, अब दूसरी वेव जो है मैं रेड कलर से जो है देता हूँ, उसको जो है समझना क्या है, ठीक है बच्चों। उसने जो है इस तरह से दे रखा है, देखो ये है और यहाँ उसने ऐसा जो है दे दिया, ठीक है। तो अब समझ लगभग जो है क्या क्या हो रहा है, अब मैं बताता हूँ। तो रेड कलर सबको दिख रहा है ना, दो अलग अलग वेव हो गई बच्चों, ठीक है। इधर जो है आपको
डिस्टेंस जो है दे रखिए, इधर जो है आपको डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर में, डिस्प्लेसमेंट जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है, और इधर जो है डिस्टेंस जो मीन्स है, ठीक है, क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में जो दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है समझो कि क्या जो है आंसर इसका बन रहा है, जरा उसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, कि पहला जो है देखो एम्पलीट्यूड देखना है बच्चों, मीन पोजीशन ये है क्या, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये जो है मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं ताकि जो है क्लियर कर पाओ बच्चों, मीन पोजीशन इसकी है। अब जो है यहाँ पे क्लियर कर दो जरा कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है, यानी कि जो ब्लैक कलर की जो वेव है, यानी कि एक जो है ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखी है, एक रेड से ड्रॉ कर रखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है बच्चों, तो इसमें जो है अच्छा टू वेव है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की है समझो ए है, ए वेव है, और जो जो है रेड कलर से मैंने ले रखी है ये बी वेव जो मीन्स है, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों का जो है एम्पलीट्यूड का रेशियो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो एम्पलीट्यूड जो है ए से रिप्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ कैपिटल ए लिख दिया और यहाँ पे जो है कैपिटल बी जो है लिख दिया। अब जो है बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि यहाँ से मेजर करोगे इसको, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, तो बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे जो है क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो यानी कि जो है कंपेयर कर लिया सिंपल सा जो है, तो भाई ए ए रेशियो ए बी जो है कितना हुआ 2:1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वेवलेंथ का जो है रेशियो, तो वेवलेंथ देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है, क्या वेवलेंथ जो है कितना हो रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो मीन अगर उसको देखोगे तो ये जो है किसका ए का जो वेवलेंथ है बच्चों, ये बी का लगभग जो है हाफ हो जा रहा है, ठीक है। देखो ये यहां से यहां तक ये पूरी लैम्डा है, ठीक है, अब उसमें इसके कितने जो है वेव पैटर्न बन जा रहे हैं उसको जो है देख लो, ठीक है, क्या या यहीं पे क्लियर कर लो बात एक ही है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो है लैम्डा अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पे, ठीक है, कि इसकी जो है लैम्डा बी हो गई, और लैम्डा बी में इसके जो है कितने लैम्डा आ रहे हैं उसको देखो, यहां से यहां तक एक लैम्डा, ठीक है, आजम, और यहां से यहां तक जो है दो लैम्डा, ठीक है। तो इधर आ गए बच्चों, यानी कि लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए जो मीन्स हो गया, ठीक है, बस। तो यहां पे अगर कंपेयर करोगे तो कुल मिलाकर के लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी अगर मैं करता हूं, ठीक है, क्या लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी करते हैं तो 1/2 जो है हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात जो है नहीं रह जाती, तो लैम्डा ए रेशियो लैम्डा बी जो है बच्चों ये जो है 1:2 जो हो जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है 2 मार्क्स का, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है उसमें ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब जो है क्लिक करो जल्दी से, इसका जो है अगला जो है क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो कितना जो है आपके लिए कलर जो है फुल मैंने डायग्राम भी तब भी बना दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। हर एक बच्चे को मजा आना चाहिए इसमें कि सर लास्ट मोमेंट पे ये प्रिपरेशन, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो बच्चों अब जो है थर्ड का जो है बी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। यू हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज 2 ओम 3 ओम 5 ओम, हाउ विल यू ज्वाइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन 7। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट, सेकंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मींस है सीधे सीधे है कि देखो गिवन क्या है, यानी कि इसका जो है आपको इसी में फर्स्ट पार्ट के लिए जो करोगे तो गिवन है बच्चों सिंपल सा कि आर वन आपको दे रखा है 2 ओम, आर टू जो है दे रहा है 3 ओम, और आर जो है 3 जो है दे रहा है 5 ओम। वो कह रहे हैं आपको 7 जो है ओम का रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे कनेक्ट करोगे, तो बच्चों सीधा सीधा है कि सीरीज में जो है कनेक्ट कर दोगे, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, क्या ये जो है 2 ओम लगा दो, ये 3 ओम लगा दो, ये 5 ओम जो मैं लगा दो, क्योंकि 7 चाहिए ना, तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से जो है ऐसे डायग्राम बना देना, ठीक है, बढ़िया वाला एक, ठीक है, और ये नेगेटिव एक की भी लगाना चाहे तो लगा दो, बस इस तरह से जो है क्या कर दो डायग्राम, तो 1 मार्क्स का ये डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 7 से ज्यादा होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से जो है लिखेंगे कि सिंस क्या कि R1 R2 R3 ठीक है RN सीरीज, ठीक है, हाँ, देयरफॉर बच्चों R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो बच्चों ये अपने आप ही 7 से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये 8 और प्लस 9, तो 9 ओम जो मिस हो जाएगा, ठीक, बाकी हेर फेर करते रहना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ये। उसके बाद आगे जो है ये 2 मार्क्स आपको मिल गए। उसके बाद बच्चों सी पार्ट जो है का आंसर क्या बोल रहा है, ठीक है,
What do you understand by the term nuclear fusion? वैसे बच्चों ये जो है nuclear fusion वाला जो topic है ये आपका जो है अब हट चुका है, ठीक है, फिर भी जो है थोड़ा सा मैं अगर वैसे बोलूं आपको तो direct सुना देता हूं। What do you understand by the term nuclear fusion? The phenomena in which two and more than two light nuclei on combining form a big nucleus with enormous amount of energy is called nuclear fusion. तो बच्चों nuclear fusion reaction जो होती है वो sun में जो होती है, ठीक है, क्या sun में जो reaction होती है वो nuclear fusion reaction होती है, ठीक है। Second part जो उसने पूछ रखा है कि nuclear power plant use nuclear fusion reaction to produce electricity. What is the advantage of the product produce electricity by the fusion reaction? Because it produces large amount of energy. As a result, it produces large amount of electricity. Simple sir, ठीक है। तो बच्चों लेकिन ये हट चुका है फिलहाल सिलेबस से, ठीक है। अब जो है डी पार्ट पे जो हम इंसान आते हैं, किस पे आते हैं, सी पार्ट तो ये हो गया, अब जो है डी पार्ट का मैं आंसर जो है दे रहा हूं। What do you understand by the free vibration? When a body vibrate with its own frequency, then this type of vibrations are called free vibrations. ठीक, तो बच्चों इसका आंसर भी हो गया। उसके बाद अगले पार्ट जो मीन है डी पार्ट का सेकंड, उसने क्या बोल रखा है बच्चों कि why does the amplitude of the vibrating body continuously decreasing during damped vibration? बच्चों डैम्प्ड वाइब्रेशन यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड, फर्स्ट पार्ट का मैंने आंसर दे दिया, सेकंड पार्ट का आंसर है बच्चों इट इज बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। क्या होता है, एयर फ्रिक्शन से जो है एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, कि जब जो है पेंडुलम को कहां रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक जो है थ्रेड लगाया, पेंडुलम को यहाँ रखा और धीरे धीरे करके जो है क्या उसको जैसे हमने पुश कराया और उसने जो है वाइब्रेशन शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएंगे, किसकी वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, यानी कि जो एटमोस्फेयर है उसके फ्रिक्शन से जो है क्या हो जाता है, उसके एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक। तो ये आंसर उसका बना, ठीक है बच्चों। अब अगला जो है क्या है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है इसका ई पार्ट का आंसर क्या है, ठीक है, ई पार्ट का आंसर लुक हियर, यहां देखता है, ठीक है, कि हाउ इज द ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इन देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो यहां पे जो है क्लियर करना है इसको कि भाई वो कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का ट्रांसफर का ट्रांसफार्मर का किस से रिलेट करते हैं। तो बच्चों इतना याद रखना है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, बहुत बढ़िया रिलेशन, तो ये जो है लिख देना कि कैसे रिलेट कर रहे हैं, ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है अगर इंक्रीज करेंगे तो EMF भी इंक्रीज करेगा, ठीक बच्चों। अब जो है इसका यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है, केवल इतना लिखना है, हाँ, ऑन विच टाइप ऑफ करंट डू ट्रांसफार्मर वर्क। इसका लास्ट पार्ट क्या है कि भाई वो पूछ रहा है आपको कि कौन से टाइप के जो है करंट पे ये वर्क करता है, तो इट वर्क ऑन एसी, किस पे वर्क करता है, तो सीधे ऐसे लिख देना बेटा कि ऑन एसी अल्टरनेटिंग करंट, किस पे वर्क करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है हम चल रहे हैं इस सीरीज के आखिरी जो है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे जो मैं चल रहा हूं, ठीक है, उस फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें बच्चों पहला यानी कि ए पार्ट ए में जो है ए का फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछ रखा है, एक बार उसको क्लियर करो कि हाउ कैन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वन मार्क्स में, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या पूछा है बच्चों उसने, ये देखो उसने आपको जो है ये पूछ दिया कि डिग्री सेल्सियस को एसआई यूनिट में कैसे जो कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है समझना कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू नहीं यहाँ पे एसआई यूनिट जो है यानी कि एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट होता है बच्चों केल्विन, और केल्विन जो है क्या कैसे बनता है 273.15 भी होता है बच्चों, तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो जो भी डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पे रख देंगे तो एक केल्विन में चेंज रहेगा, क्या बन जाएगा बच्चों ये जो है केल्विन में जो है चेंज रहेगा, ठीक, तो ये आ गया, यानी कि डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर दोगे 273 ऐड कर देंगे बच्चों, तो एसआई यूनिट बन जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका जो है सेकंड पार्ट वो क्या पूछ रहा है, जरा एक बार उसका भी मजा लो। अ लिक्विड एक्स हैज अ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर्स, नेम द लिक्विड एक्स, ठीक है। तो बच्चों जो वो लिक्विड एक्स की वो बात कर रहा है, भाई अब सबको पता है कि जो एक्स है ये वाटर के सिवा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो है कार जब रेडिएटर गर्म हो जाता है तो पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है।
तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद बच्चों अब जो है बी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो उसका आंसर एक्स जो मिस हो जाएगा उसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है, और मजा लो इसका, वो क्या कह रहा है देखो एक बार न्यूमेरिकल सुनो, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अ सॉलिड मेटल वेइंग 150 ग्राम मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ 100 वाट द टाइम टेकन फॉर इट टू कंप्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज 4 मिनट। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल। बच्चों इतना बढ़िया क्वेश्चन जो मींस है, सुन लिया होगा क्वेश्चन, समझो वो कह रहा है कि एक सॉलिड मेटल है उसका वेट, तो बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे जो है गिवन, ठीक है, फॉर सॉलिड मेटल, ठीक है, सॉलिड मेटल के लिए क्या दे रखा है बच्चों, एम मास दे रखा है उसने कि 150 ग्राम, ठीक है, यहीं पे बदलना चाहते हो तो यहीं पे बदल दो, 50 × 10⁻³ kg हो जाएगा, बिना जो है सिस्टम फॉलो करके नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि एच हीट लिखो या पावर लिखो उसको बात ही की है, तो बच्चों ये जो है आपको दे रहा है कितना हीट या पावर जो मीन्स उसने 100 वाट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन, ये मेल्ट कर रहा है उसको, टाइम टेकन 800 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। इसमें कितना टाइम लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वो 4 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, 4 मिनट लग रहे हैं बच्चों, तो 4 × 60 सेकेंड जो मीन्स कर लो तो ये जो है कितना हो जाएगा, 240 सेकेंड जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल निकालना है बच्चों, आपको जो है एल जो है यहां से निकालना है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बढ़िया जो है आपको फॉर्मूला बताता हूं कैसे जो करना है बच्चों, यहां पे क्लियर कर दो कि एक तो क्यू यानी कि हीट जो है क्यू भी लिख सकते हैं, बात एक है, या मैंने एच लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू होता है ML, ठीक है, और एक जो है क्यू इज इक्वल टू होता है क्या PT, ठीक है, यही समझो पावर इंटू टाइम मतलब, ठीक है, जिसको हीट लिख रहे हैं, ठीक है, इसके बेस पे पावर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे लेंगे, सिंस ये है देयर फोर क्या करोगे, यहाँ पे मैं एल चाहिए तो बच्चों एल इज इक्वल टू हो जाएगा P × T/M जो है, तो P पावर आपको जो है दे रहा है वो 100 वाट, ठीक है, टाइम बच्चों आपको दे रहा है 240 सेकेंड, और मास जो है उसने दे रखा है आपको 150 × 10⁻³, तो बच्चों यहाँ से जो है क्या कर लो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है किससे काटना चाहते हो, 5 से काट दो, ठीक है, तो 5 3 जो है 15 हो गया, 5 2 जो 10 हो गया बच्चों, 3 8 जा, ठीक है, 3 8 जा कितना हुआ 24, और 8 2 जा बच्चों 16 हो गया, 160 × 10⁻³, ये न्यूमरेटर में जो है जाएगा तो बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको 1.6 × 10⁻⁴ क्या लिख दो, दो और पावर बढ़ जाएगी 4, तो इतना जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये कहीं ना कहीं जो इमेज क्या है भाई, लेटेंट हीट जो इमेज है, तो यहाँ पे जो है जूल, ठीक है, ऐसे लिख दो जूल पर केजी जो है यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था न्यूमेरिकल, इसमें जो है पूछा है, ठीक है बच्चों, अब जो है इसको मिटाया जाए, ठीक। अगला जो है क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई, हाँ इसका जरा सुन लो, कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वायर्स यूज्ड इन द हाउस होल्ड सर्किट्स। फर्स्ट, द वायर इज आल्सो कॉल्ड अ फेज वायर। सेकंड, द वायर इज कनेक्टेड टू द टॉप टर्मिनल ऑफ द 3-पिन सॉकेट। तो बच्चों इनके आंसर तो मैं वैसे ही सुना दूं, उसने जो है जो पूछा है यानी कि सी पार्ट जो है, सी पार्ट का जो आंसर है बच्चों वो ये, आप फेज वायर किसको बोलते हैं, तो फेज वायर लाइव वायर को बोलते हैं, ठीक है, क्या वो कह रहे हैं फेज वायर जो किसको बोलते हैं, तो फेज वायर जो है किसको बोलते हैं, लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर को फेज वायर भी बोलते हैं, ये फर्स्ट का पार्ट का आंसर है। सेकंड वो कह रहे हैं कि जो 3-पिन सॉकेट होता है, क्या 3-पिन सॉकेट बच्चों यहीं पे पड़ा है, वो जल्दी से जो मिल गया, बहुत बढ़िया जो मिल गया, ठीक है, तो ये देखो ये 3-पिन जो है वाला हो गया, तो ये सबसे टॉप वाला अर्थ वाला वायर होता है, किसका होता है, अर्थ वायर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ वायर, ठीक है, तो टॉप, ठीक है, टॉप पिन, ठीक है, फॉर किसके लिए, अर्थ वायर के लिए, ठीक है बच्चों, अर्थ वायर मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस और अर्थ को कनेक्ट करता है, ठीक है, कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अर्थ वायर जो करंट को कहां ले जाता है, अर्थ में ले जाता है, तो जीरो जो मींस वहां पे पोटेंशियल कर देता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला जो है आ रहा है इसका डी पार्ट, ठीक है, तो डी पार्ट जो है मैं यह मिटा देता हूं, तो फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट, ठीक है, क्या फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट जो है क्या है, जरा उसका जो है क्लियर कर दो बच्चों। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, इसका डी पार्ट जो है क्या कह रहे हैं, देखो इसका जो है मजा लो, डी पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट है बच्चों कि व्हाट आर आइसोबार्स,
आइसोबार्स आर दोज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, गिव वन एग्जांपल. तो बच्चों के है किसका दे दो, आर्गन का दे दो. आर्गन जो है 18 और 40, और जो है कैल्शियम जो है क्या दे दो, कैल्शियम जो है 20 और 40. तो बढ़िया जो मीन्स है. ठीक है, पहले पार्ट में डेफिनेशन है, दूसरे पार्ट में है बच्चों ये, हाँ इसमें है, दूसरे पार्ट में एग्जांपल देने हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको डेफिनेशन सुनानी है. ठीक है, उसके बाद बच्चों लास्ट जो है ई पार्ट का क्वेश्चन जो है क्या है, ये समझो कि स्टेट एनी टू एडवांटेज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट. बच्चों यहाँ पे क्लियर जो है कर लो, क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, ये जो है कि आपने एडवांटेज बताने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट के ऊपर. ठीक है, तो क्लियर कर दो कि भी क्या, इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी वेरीज. ठीक है, तो दो जो मीन्स है हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ठीक है बच्चों, क्या हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, और सेकेंड जो है क्या, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इजिली कैन इजिली वेरीड. ठीक है, कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन वेरी. ठीक है, बस इतना जो है लिख दो कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट के, और किसकी नहीं कर सकते, परमानेंट मैग्नेट फिक्स हो जाता है, उससे बड़े स्ट्रेंथ नहीं कर सकते. ठीक है, तो बच्चों ये जो है आपके पास जो है 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए. ठीक है, और नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में जो आपके लिए बना रहा हूं बच्चों, वो जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको कल जो है काम आ सकते हैं. ठीक है, और ये जो है जल्दी से जो है अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस वीडियो को जो है आप शेयर कर दो कि कल जो है ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिमेंस आपके उसमें जो है आ सकते हैं. ये केवल जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि क्या है, ये ओवरऑल जो मीन्स आपको क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं. तो बच्चों इस चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है बोल दो अगर आपके लिए पॉजिटिव है. तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय बाय.